केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया साथ अमारा संवाददाताए खास बातचीत करी हती। शुं कह्युं तेमणे आवुं सांभळीए। गुजरात में देश के आरोग्य मंत्री ने आज मतदान किया है और भाग लिया है, उनसे ही बात करते हैं। मनसुख भाई, आज आपने वोटिंग किया है, परिवार के साथ वोटिंग किया, कितने बड़ा अवसर है चुनाव का और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोकशाही के इस पर्व में मतदान बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग मतदान करके अपनी भरोसा की सरकार बना सकते हैं और इसलिए सभी गुजरात की जनता को मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना मताधिकार का उपयोग करके अपनी भरोसा की सरकार बनाइए। कितना भरोसा है राज्य में बीजेपी की सरकार फिर से बनाने का? आप इतने चुनावी प्रचार में भी आप साथ में रहे, दौरे किए हैं, सब सीटों पे गए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? मैंने सारे गुजरात में मेरे चुनाव प्रचार के दरमियान जनता का, भारतीय जनता के प्रति भरोसा देखा। गुजरात के किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति श्रद्धा और भरोसा और बढ़ रहा है। उसको देखते हुए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड को ब्रेक करके स्वयं भाजपा ही नया रिकॉर्ड को स्थापित करेंगे। मंजू भाई, अंतिम सवाल, आप कोई चुनौती देख रहे हैं? इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में और कह रहे हैं कि भाजपा को हम हराएंगे, किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को? बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है, हमें गुजरात की जनता पर भरोसा है और विश्वास है कि गुजरात की जनता फिर से एक बार अपनी भरोसा की सरकार भाजपा की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद मनसुख भाई। तो ये थे देश के आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें पूरा भरोसा है और जनता को भी भरोसा है कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी और सामने विपक्ष में कोई भी चुनौती नहीं है, जनता फिर से एक बार भाजपा को चुनेगी और इस बार रिकॉर्ड ब्रेक सीटें मिलेंगी। कैमरामैन राहुल के साथ ब्रजेश जोशी, जी मीडिया, भावनगर।